नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी दिल्ली में व्यापारियों से कोरोना के नियमों का पालन करने का आश्वासन मिलने के बाद उत्तरी जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज से बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है लक्ष्मी नगर के विकास मार्ग स्थित मेन बाजार से लेकर किशन कुंज स्थित लवली पब्लिक स्कूल और उसके आस के बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना से पैदा हुए हालात बहुत भीषण हैं। महामारी और खौफ का ये दौर पहले कभी किसी ने नहीं देखा था लेकिन इस खौफ के बावजूद जिंदगी की चुनौतियां अपनी जगह है लोगों की कमाई के साधन सिमटते हुए जा रहे हैं धंधे चौपट हैं नौकरियां खत्म हो रही हैं इसीलिए बंधन खोलने भी जरूरी हैं लेकिन खतरा अभी भी बहुत बड़ा है लिहाजा कुछ जगहों पर अभी भी पाबंदी हटाने की कोई गुंजाइश नहीं है फिर भी दिल्ली सरकार आज कुछ और छूट देगी तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है इसी के साथ उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी सियासी हलचल का क्लाइमेक्स आ गया है राज्य को एक बार फिर नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है इस सिलसिले में दोपहर तीन बजे बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक करने जा रही है इस बैठक में उत्तराखंड के नए सीएम के नाम का ऐलान भी संभव है बता दें मुख्यमंत्री रावत के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक देहरादून में दोपहर तीन बजे बुलाई गई है ये बैठक पार्टी हेडक्वार्टर में होगी बीजेपी के मीडिया इंचार्ज मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि इस बैठक का नेतृत्व उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे बैठक में सभी विधायकों को पस्त रहने के लिए भी कहा गया है पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी बीजेपी विधायक देहरादून में मौजूद रहें वहीं विधायक दल की बैठक में लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रेयरवेक्षक बनाया गया है मार्च में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल महज 4 महीने का ही रहा है अब राज्य को फिर से नए मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं मुंबई के एन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बैटरी से चलाने वाला और दोबारा उपयोग के लायक मास्क बनाया है जो हवा में फैलने वाले मानव रोगजनकों से सुरक्षा देता है साधारण मास्क एयर जेल और बड़े धूल कर्णों से बचाते हैं वो अधिकांश मानव रोग जनकों के रक्षा नहीं करते वहीं इसके उल्टे नए तरह के मास्क में धातु की जाली के साथ चार परत कपास है जो एक विद्युत फिल्टर के रूप में काम करता है सांस लेने और छोड़ने के दौरान मास्क के संपर्क में आने वाले रोगजनक जीवाणु तुरंत निष्प्रभावी हो जाते हैं जिससे उपयोगकर्ता को पूर्ण सुरक्षा मिलती है ये मास्क को दोबारा उपयोग किए जाने लायक और पर्यावरण के अनुकूल हैं यदि उचित देखभाल के साथ उपयोग किया जाता है और इसे बदला जा सकता है तो बैटरी छः महीने से ज़्यादा समय तक चलती है ये मास्क पर्यावरण के बोझ को कम करने वाले दो से ज़्यादा नियमित मास्क की जगह लेता है और इस प्रकार पर्यावरण के अनुकूल भी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य की प्रत्येक में से जान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्मृति वाटिका स्थापित की जानी चाहिए जहां लोग उन लोगों को सम्मान दे सकें जिनकी मृत्यु कोविड की वजह से हुई है उन्होंने आगे लोगों से अपील की है कि वो अपने प्रियजन की याद में पेड़ लगाएं और उनका पालन पोषण करें पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों में स्मारक प्रस्ताव को ग्राम पंचायतों द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा हालांकि इसके लिए शर्त है कि स्मारक वाटिका स्थानीय परिदर्शन के अनुरूप होना चाहिए वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जेल वार्डन घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के पदों पर चिन्हित पांच हजार आठ सौ पांच युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते सवा चार सालों में उत्तर प्रदेश में सरकारी पदों पर हुई भर्ती ने सुचिता पारदर्शिता और ईमानदारी की मिसाल कायम की है उन्होंने कहा कि 2017 के पहले जिस यूपी में भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार और वसूली की पारिवारिक महाभारत की बेट चढ़ जाती थी वहां चार लाख से ज्यादा पदों पर कोई नियुक्तियों में से एक पर भी सवाल नहीं किया जा सकता लोक भवन सभाकर में आयोजित कार्यक्रम में 12 नव चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के हाथों औ बंधिक नियुक्ति पत्र मिला है मुख्यमंत्री ने कहा कि चार साल पहले तक यूपी में कारागार अपराधियों गुंडों के लिए आराम और गिरोह संचालन का केंद्र हुआ करते थे यहाँ पग पग पर भ्रष्टाचार और अराजकता थी वहीं आज अपराधी पुलिस के नाम से खौफ खा जाते हैं सवा चार सालों में इस बदलाव में पुलिस महानिदेशक से लेकर आरक्षित भूमिका है फाइव जी की काफी चर्चा अभी देश भर में हो रही है सभी के मन में ये सवाल है कि फाइव जी को देश में कब लॉन्च किया जाएगा अभी फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों को इसके ट्रायल के लिए इजाजत दे दी गई है इसके लिए उन्हें स्पेक्ट्रम उपलब्ध करवा दिया गया है इसकी उपलब्धता पर एक नई रिपोर्ट आई है रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में फाइव कब उपलब्ध होगा एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जानकारी सरकारी अधिकारी की माने 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं है रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5G को पिचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया जा सकता है यानी कि भारत में 5G 15 अगस्त 2022 को आ सकता है 5G टेक्नोलॉजी को अगले साल अगस्त में स्टार्ट किया जा सकता है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री इसे ऑफिशियली लॉन्च कर सकते हैं इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज ये देखने को मिलेगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कई भारतीय टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज किया जाएगा तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉल इंडिया